बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सतरंगी क्रिएशंस। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम सिखाने जा रहे हैं आपको बहुत ही इजी नेक लाइन डिज़ाइन। फ्यूज़न को डबल फोल्ड करके रख लेंगे। चौड़ाई हम लेंगे 3 इंच, उसके गहराई हम लेंगे आड़े में 5 इंच। लाइनों को कर देंगे सीधा और गोल गला ड्रॉ कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गले की चौड़ाई में इजाफा या कमी कर सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस गले को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। सबसे पहले पैटर्न को पेस्ट करेंगे। पैटर्न को पेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे गले की चौड़ाई में कोई फ़र्क ना आए, और साथ गला रखते हुए पेस्ट कर देंगे। अब 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम कपड़े की कटिंग कर देंगे और कपड़े को इस्त्री की मदद से मोड़ देंगे। कपड़ा हमारा फोल्ड हो चुका है। अब इसमें से हम पैटर्न को निकाल देंगे। बिल्कुल सेंटर करके एक नॉच लगा लें या इस्त्री की मदद से क्रीज बिठा लें। जो कपड़ा हमने इस्त्री के साथ फोल्ड किया था उस पर सिलाई लगा लें। अब शर्ट के बिल्कुल फ्रंट साइड पर गले को सेंटर में अटैच कर लें एक रफ सिलाई के साथ, ताकि गला हमारा हिले ना। और एक सिलाई बिल्कुल फ्यूज़न के साथ साथ लगा लें। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लें और छोटे छोटे कट लगाकर गले को उल्टी साइड पर पलटा दें। गला हमारा रेडी हो चुका है। अब शर्ट पीस को हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। जहाँ से हमारा गला स्टार्ट हो रहा है वहाँ से इंची टेप आड़े में रखते हुए एक निशान 14 इंच का लगाएंगे। यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे और एक वी बना लेंगे। थोड़ा सा वी ड्रॉ करेंगे और थोड़ी सी कपड़े की सीधी कटिंग करेंगे। ये कटिंग खुलने के बाद कुछ ऐसी नज़र आएगी जी। तो पट्टियों के लिए ये है हमारा बॉर्डर। 1-1 इंच चौड़ाई की हम 2 पट्टियाँ काट लेंगे। एक पट्टी की लंबाई 13 इंच जबकि दूसरी की 11 इंच। अब छोटी पट्टी को पहले पेस्ट कर लेंगे इस्त्री की मदद से। अब एक और फोल्ड देंगे इस पट्टी को और प्रेस की मदद से इसे अच्छी तरह बिठा लेंगे। अब 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी लंबी पट्टी जो है वो दूसरे बॉर्डर के साथ इसी की मदद से पेस्ट करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। शर्ट पीस को हम उल्टा बिछा लेंगे। लेफ़्ट साइड पर हमारी छोटी पट्टी आएगी जबकि राइट साइड पर हमारी लंबी पट्टी आएगी। सबसे पहले हम छोटी पट्टी को ज्वाइन करेंगे। 1 इंच का मार्जिन ऊपर छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच पर, और जहां हमारा गला ख़त्म हो रहा है बिल्कुल उसके साथ हम पक्का करके निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। इसी तरह हम दूसरी पट्टी लगाएंगे। 1/2 इंच के मार्जिन के साथ आप एक सिलाई लगाएं और जहां कट आ रहा है वहां पक्का करके कपड़े को निकाल लें। बिल्कुल यहां तक पक्का करते हुए निकाल लें। अब इन पट्टियों को सीधी साइड पर पलटा लेंगे। सबसे पहले छोटी पट्टी को पलटाएंगे। ये छोटी पट्टी है ये हमारी नीचे की साइड पर आएगी।
अब दूसरी पट्टी को भी इसी तरह सीधी साइड पर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लें। और बिल्कुल शर्ट का हाफ करते हुए सबसे नीचे पट्टी को हम सीधा कर लेंगे और आधा इंच इसे मोड़कर यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टी बिल्कुल हमारी सेंटर कमीज़ के सेंटर में होनी चाहिए। अब इसी तरह सिलाई को कंप्लीट करते हुए हम इस सिलाई को ऊपर तक ले जाएंगे और जितना जितने आपके गले की गहराई आपको चाहिए उतना रखते हुए हम वी बना लेंगे। अब ये कपड़ा जो हमने एक एक इंच का ऊपर की साइड पर छोड़ा था इसे हम नीचे फोल्ड करके सुई की मदद से पक्का कर लेंगे। ये हमारा ओवरलैप का गला बिल्कुल तैयार है। आप इस पर टसल्स बटन कुछ भी लगा सकते हैं। मैं इस गले पे लगाऊंगी 3 बटन्स जी। तो यह है हमारे गले का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।